दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आज जो विषय लाया हूँ वो विषय का नाम है ओवर थिंकिंग, मतलब ज़्यादा सोचना। मतलब ओवर थिंकिंग मतलब होता क्या है दोस्तों? ओवर थिंक कैसे हो जाता है? ओवर थिंक के डिसएडवांटेज क्या है? ओवर थिंक के एडवांटेज क्या है? इसी के बारे में आज बात करूँगा। दोस्तों ओवर थिंकिंग माना ज़्यादा विचार करना, मतलब हद के पार होकर के विचार करते रहना। अगर ये विचार करते हैं ना दोस्तों, उसी के भी अपना बैड इफेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग में क्या होता है एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ। सपोज़ आपके मन में कोई विचार आया, किसी ने आपका अपमान कर लिया, अपमान किया तो आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। उसने मेरा अपमान किया, ऐसे किया वैसे किया, तो फिर मैं उसका बदला लेके रहूँगा। तो दोस्तों जब तक उसका बदला नहीं लेते या कुछ उसको सुनाते नहीं, या जब तक आपके मन में वो विचार रहता है तब तक वो विचार आपके मन में चालू रहता है। दोस्तों ये क्या बोलते हैं, मतलब जब भी आप किसी का बदला नहीं ले सकते तो मतलब क्या हो गया, ओवर थिंकिंग आपका जो है उसके बारे में हो जाता है। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है, मतलब जो चीज़ अपने हम कर नहीं सकते, यानी आप नहीं कर सकते हो, उसी के बारे में ज़्यादा सोचना। किसी का बदला नहीं ले सकते हैं, मतलब अपने से भी बलवान व्यक्ति है उसका बदला ले कैसे सकते हैं? तो सोचते सोचते रहेंगे, अगर इसके साथ इसने मेरे से ऐसा बात किया था और ये बात जो है ना मैं उसको उल्टा करके दिखाऊंगा, मतलब उसको मैं ये समझाऊंगा या उसको मैं उसका बदला लेके रहूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब उसके बारे में सोचते रहना। मतलब ये ओवर थिंकिंग हो जाता है, ऐसे एक टाइप का ओवर थिंकिंग है। दूसरा चीज़ है ओवर थिंकिंग का कि ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब किसी ने आपको ज़्यादा करके डिसिप्लिन होने के लिए बोला, तो आपको डिसिप्लिन मतलब आपको एक शिस्त में रहने का आपको पहले से आदत नहीं है, तो किसी ने आपको दबाव डाला कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसा रहना है वैसे रहना, मतलब आपको इतनी सारी डिसिप्लिन डाल देता है वो, फिर मन के अंदर एक ऐसा आपका दबाव हो जाता है। वो दबाव होने के कारण फिर आप सोचते हैं ये अपने को एक स्वतंत्रता नहीं है, ये अपना इंसान का मन जो है स्वतंत्र होना सोचता है। मतलब कैसे स्वतंत्र रहे, फिर मतलब बोलते हैं ना, मतलब किसी को भी पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता है, वैसा किसी ने अपने पर दबाव करके बोला कि आप ऐसे करो ऐसे रहो, यानी ऐसे रहो वैसे रहो, मतलब वो दूसरे के विचार से मतलब अपने को रहना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है कि अपना जो किसी के गुलाम होकर रहना, मतलब गुलाम होता है आदमी, इंसान जो गुलाम होता है, तो गुलाम होता है वो गुलामी भी अच्छी नहीं रहती है, तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं मार्ग भी नहीं रहता है कि उससे बाहर कैसा निकलने का, तो ओवर थिंकिंग करते बैठते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर की हार्मोन्स लेवल है दोस्तों और वो बिगड़ जाती है। वो हार्मोन्स लेवल्स बिगड़ने के कारण दोस्तों बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। हार्मोन्स लेवल मतलब क्या है, जितना आप सोचेंगे तो ना ब्रेन के अंदर ऐसी कई पेशियाँ होती है, वो पेशी का सोचने की कैपेसिटी जो है वो उसको ओवर हो जाती है, और फिर ओवर होने के बाद वो अपना हार्मोन वो जो सिक्रेशन करने का जो होता है वो पूरा बंद होता है, और फिर से अपना वो कंट्रोलिंग अपना अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल, मतलब अपने पूरी क्रिया के ऊपर कंट्रोल करने की ताकत जो है ना पूरी ब्रेन के अंदर की खलास हो जाती है। साइकोलॉजी में इसको मेंटल बोला जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल डॉक्टर बोलते हैं मेंटल। मेंटल मतलब मन के ऊपर उसके प्रभाव पड़ा, वही सोचते रहा और फिर वही बातें फिर ना उसको कान में सुनने को आती है, मतलब किसी ने बोला नहीं ना तो भी उसके कान में हो, उसके कान बजते रहते हैं, ऐसे कान बजते रहते हैं पूछो मत, मतलब उसको मतलब ऐसे ऐसे आभास होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ मतलब जागते समय वो कुछ बातें करेगा और फिर ना और फिर दूसरा भी बात करेगा, मतलब उसको जवाब देगा, कान में उसके आवाज़ आ जाएंगे, वो आपको सुनाई देंगे नहीं देंगे, आप आजू बाजू में रहते हो ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये आदमी क्यों अकेला बड़बड़ कर रहा है। मतलब दोस्तों ऐसे लोग कभी देखे आपने? ये दोस्तों ऐसा है कि वो हम क्या बोलते हैं, ये पागल हो चुका है करके।
दोस्तों पागल होना मन माना क्या मालूम है, एक ही विषय के ऊपर जो इच्छा है उसकी जो इच्छा पूरी नहीं होते उसके ऊपर वो ज़्यादा करके सोचते बैठता है, और ऐसे ज़्यादा करके सोचते बैठने का प्रभाव क्या होता है दोस्तों मालूम है, ओवर थिंकिंग, मतलब ज़्यादा थिंकिंग, मतलब अपना थिंकिंग करने की जो कैपेसिटी है उससे भी फार वो अपना सोचना शुरू करता है, और ये सोचना उसका जब तक चालू रहता है दोस्तों जब तक उसको कुछ उसके अंदर ये नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, मगर ऐसी कहीं टेस्ट आ जाती है दोस्तों उसकी थिंकिंग मतलब जो सोचने की कैपेसिटी ना पूरी की पूरी खलास हो जाती है, और फिर वो आदमी मेंटली बीमार हो जाता है। अगर मेंटली बीमार हो गया तो उसी को फिर अपने को ट्रीटमेंट देनी ही पड़ेगी। वो ट्रीटमेंट दोस्तों क्या है, वो ट्रीटमेंट ये है मेंटल हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा कर के उससे सलाह लेना पड़ता है, और सलाह लेकर के फिर उसके डिप्रेशन की गोलियां वगैरह लेना पड़ेगी, नहीं तो वो इंसान जो है ना वो अपना मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि इंसान जैसे बिहेव नहीं करेगा, एक मतलब जैसा भूत जैसा व्यवहार करेगा, मतलब उसकी पूरी मेंटालिटी है ना पूरी चेंज होगी दोस्तों ये एक्चुअली है क्या ओवर थिंकिंग मतलब क्या है, बर्डन ऑफ थिंकिंग। बॉस ने अपने ऊपर कुछ बोला तो फिर वो करना है करके, मतलब अपने मन को अपने मन के अंदर जो ताकत है उसको डिप्रेस करना, मतलब सामने वाले का दबाव अपने ऊपर आ जाता है, और दबाव आने के वजह से हम क्या करते हैं वो फिर ना वो एक थिंकिंग करना शुरुआत करते हैं, उसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं दोस्तों, इसलिए ओवर थिंकिंग उसको टालना चाहिए। इसके लिए कई लोग जो होता है ना इनको कभी तकलीफ होता है, तो इसके लिए अभी देखो हम लोग बोलते हैं लोग अपना व्यसन करते हैं, क्यों करते हैं, उनके मन के अंदर के विचार जो है ना स्टॉप नहीं होते, जो उनका कुछ करना होता है मन के अंदर जो होता है वो स्टॉप नहीं होता, स्टॉप करने की पावर उनके अंदर होती नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, मतलब जो उसने सोचा दोस्तों तो फिर वो सोचते 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 रहेगा, मतलब क्या मालूम है उसको स्टॉप नहीं करेगा, और स्टॉप नहीं करने के लिए उसको क्या तंबाकू लेनी पड़ेगी, ड्रग्स लेनी पड़ेगी, हाँ फिर उसके अंदर अल्कोहल लेना पड़ेगा, ऐसे करके उसको व्यसन लग जाएंगे, मतलब ये हो गया ओवर थिंकिंग का मतलब। और ये ओवर थिंकिंग जब तक स्टॉप नहीं होता है ना दोस्तों वो इंसान जो है ना मेंटली बीमार हो रहता है, अगर वो मेंटली बीमार हो गया दोस्तों तो मतलब सोचो उसको घर में समाज में सभी जगह पे प्रॉब्लम होते रहेगा दोस्तों, और मेंटली डिप्रेस्ड बोलते हैं ना तो वही मतलब जो चीज़ है ना हम उसको देखते हैं ना थोड़ा सा उसका बिहेवियर जो है ना मेंटल बिहेवियर ना अलग से है, व्हाट इज़ द बिहेवियर, वो मेंटल हो गया वैसे उसको आप कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, नॉर्मली उसका खाना वो खाना जो है वो खाने बैठेगा तो ज़्यादा खाएगा, ऐसे भी होगा पता नहीं लगेगा क्या खा रहा है करके, उसके मन जो है मन के अंदर एक विचार चक्र चालू रहेगा, और फिर मेंटली जिस चीज़ का विचार करेगा उसका उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा करके, और कहीं दफ़ा उसके बाद में फिर वो मेंटली उसके ऊपर का कंट्रोल जो है ना पूरा का पूरा निकल जाएगा, और उसके मुंह में से कुछ भी अलग अलग वर्ड्स आएंगे, उसको भी पता नहीं है वर्ड्स जो है, कई महीने ऐसे मेंटल लोग देखे हैं ना तो गालियाँ देते रहेंगे, कई ऐसे है तो कोई हंसते तो हंसते रहेंगे, मतलब देखो दोस्तों आपने मेंटल हॉस्पिटल में कभी जा कर के देखा होगा ना तो हर एक का एक बिहेवियर अलग अलग रहता है, मतलब मेंटली वो जो है बीमार है, इसका मतलब क्या है जो चीज़ वारंवार करते रहेंगे, ये सारा इफेक्ट जो है ना मेंटली ओवर थिंकिंग का, मतलब मानसिक दृष्टया वो ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, और ज़्यादा थिंकिंग करना मतलब एक प्रकार का बीमारी है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम मानसिक रोगी इस ऐसे हो जाते हैं, फिर उनके अंदर डिप्रेशन आएगा, किसी का फटाफट किसी का नुकसान करेंगे, किसी को उल्टा सुलटा बोलेंगे, और फिर रूढ़ उनका स्वभाव हो जाएगा, मतलब कैसे मतलब उनकी स्वभाव जो है ना शांतता में नहीं दिखाई देगी, कि कहीं आक्रामक होंगे, कहीं अपने कपड़े निकाल करके और फिर भागेंगे, मतलब ये उनको पता नहीं है क्या कर रहे करके दोस्तों, ये जो थिंकिंग है ओवर थिंकिंग का मतलब है, और किसी इंसान का उसके ऊपर ज़्यादा दबाव रहेगा ना
तो फिर ऐसे ही हो जाता है नॉर्मली, और दबाव के हिसाब से भी और वो थिंकिंग ना उसकी और बढ़ जाती है दोस्तों। और ऐसे बढ़ने के कारण ओवर थिंकिंग का डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, मेंटली वो बीमार होगा। अगर वो मेंटली बीमार होगा ना तो उसको फिर गोलियां वगैरह लेने पड़ेंगे, नींद नहीं आएगी, बहुत सारे नर्वस सिस्टम उसका उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। हार्मोन जो होते वो हार्मोन्स सही ढंग से उसके शरीर में और फिर सिक्रिट नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ओवर थिंकिंग मतलब टोटली मैडनेस, मतलब मैड हो गया हम लोग बोलते हैं ना, ये अभी मैड हो, कुछ भी इससे ना बच के रहो, वो कुछ भी बोलेगा करके कई लोग अपने को दिखाई देते हैं ना दोस्तों। वो जो बोलेंगे ना वो अपने हिसाब से बोलेंगे और फिर वो जो बोलेंगे तो मीनिंगलेस ज़्यादा करके बोलेंगे। मतलब दोस्तों ये एक बीमारी है, मतलब ओवर थिंकिंग, ज़्यादा थिंकिंग करना, और ज़्यादा थिंकिंग करने से आदमी के अंदर गुस्सा पैदा होगा, बदले की भावना होगी, मतलब जो है कहीं अपना व्यसन करने की भावना निर्माण होगी, मतलब ये जो जितने भी सारे विकार है उसके अंदर वो भरते रहेंगे। मतलब ओवर थिंकिंग डेंजरस टू हेल्थ। मतलब ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम करें, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा करके जो साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल निकल गए तो वहाँ आप जा करके देखें, या कहीं आपने यूट्यूब में आपको वीडियो भी देखने को मिलेंगे ओवर थिंकिंग कैसे होते हैं। ओवर थिंकिंग होता है कभी कभी उन लोगों को प्रेशर की वजह से ओवर थिंकिंग होता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग होता है डर के हिसाब से होता है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग आप बोल नहीं सकते, कैसे किसी तरह से उनके मन में आएगा। और दोस्तों ओवर थिंकिंग मतलब ये जो है ना एंडलेस होता है, और उसके ऊपर थिंकिंग करते बैठना, थिंकिंग करना, तो दोस्तों आप भी आपका जो है नेचर वो ज़्यादा थिंकिंग वाला मत बनाओ। ज़्यादा थिंकिंग वाला बनाएंगे ना तो दोस्तों यही प्रॉब्लम, आपको डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ेगी दोस्तों। अपना पूरा माइंड को ना एक दूसरी शक्ति चलाता है ऐसा आपको लगेगा, और चलाता भी है दोस्तों, ऐसे भी है। मैं भूत पिशाच को मानता नहीं हूँ, मगर एक आपको बात बोलता हूँ, ज़्यादा करके चीज़ जो होता है वो जो बोलने शुरुआत करता है ना, ऐसे बिहेवियर उसका हो जाता है, उसकी वागणूक ऐसी हो जाती है, तो उसी का आत्मा और कोई दूसरा आत्मा आ करके उसके शरीर में चला रहा है क्या, ऐसे करके प्रश्न पड़ते हैं दोस्तों। मतलब ये मेंटल बिहेवियर है, और ये मेंटल बिहेवियर जो ऐसे होता है इसका मतलब क्या है, जैसे शिक्षण नहीं है तो भी होता है, कोई सही अपना ढंग से किसी का उसको भी खुद को अपना मतलब कैसे अपने को खुद के लिए सोचना वो नहीं समझ में आता है, खुद क्या है वो समझ में नहीं आता है, दूसरों के बारे में कैसे व्यवहार करने वो नहीं मालूम है दोस्तों, टोटली उसके इलिटरेसी उसके अंदर होती है दोस्तों। गांव में मैंने देखा ना बहुत सारी अपना जो लेडीज़ लोग होते हैं उनको इलिटरेसी होती है, तभी ना उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, उन लोग क्या करते हैं शुरुआत करते हैं वो अपना ज़्यादा करके उसको गाली गलौच करना शुरुआत करते हैं, और फिर उस जब तक गाली गलौच करेंगे, जब तक उनके मन में शांति नहीं आएगी ना तब तक वो गाली गलौच करेंगे, उसको बोलते हैं मेंटली इलनेस। मगर उनको बोलेंगे जा करके जिस आदमी के साथ में झगड़ा हो गया उसे जा करके बात करो और वो अपना उसका जो उसका सेटलमेंट करो, वो नहीं जाएंगे, तो बोलेंगे मैं क्यों जाऊं करके। मतलब गांव के साइड में हम लोग देखते तो ज़्यादा करके मेंटल इलनेस जो होता है ना ज़्यादा करके औरतों के अंदर होता है, फटाफट गालियाँ देना, कुछ भी मन में आता है वो बकना, हाँ मतलब ये सब सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों। मैंने बोलता गांव के इधर ही ज़्यादा करते, मुंबई में भी ऐसे मेंटल इलनेस होते हैं लोग ज़्यादा करके दोस्तों, मैं बहुत सारे लोग देखे हैं। एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जहाँ पे एक पार्किंग करता था उसके सामने जो मालिक था, वो मालिक है उसका, वो थोड़ा सा उसके सामने गाड़ी लगाया तो फिर वो फिर भड़क के उठ के बाहर आ जाता, नहीं 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 ये एक यहाँ पे ना अपना गाड़ी पार्किंग नहीं करना, और फिर इसको इरिटेशंस होता है, मतलब कैसा मालूम है उसको इरिटेशन इतना होता है दोस्तों पूछो मत, क्या करें। फिर दोस्तों वहाँ पे ना कोई दूसरा मेरे को पर्याय नहीं रहता है, उधर की गाड़ी उठाओ फिर दूसरी जगह पे लेके पार्क करो,
मतलब मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, जिसका मेंटल इलनेस है ना, उसके ऊपर एक तो इलाज जो है वो अपना कोई हॉस्पिटल में जा करे, मगर कौन अपना एक्सेप्ट तो करेगा क्या मैं मेरे अंदर थोड़ा सा मैडनेस आ गया या कौन मेंटली मैं बीमार हुआ, ऐसा कोई नहीं मानता है। जब तक वो अपने मन जैसा व्यवहार करते रहेगा दोस्तों, खुद को भी हार्म करेगा। कई लोग होते हैं ना तो खुद को भी हार्म करेंगे, कई लोग होते हैं ना ऐसे लोग होते हैं ना खुद को हार्म करेंगे। खुद को हार्म करना मतलब खुद को ये करना, खुद को इलनेस पैदा करना, मतलब खुद की नाड़ियाँ काटेंगे, रक्त निकालेंगे, ऐसे कुछ अनहोनी यानी घिनौनी कृत्य वो करेंगे। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, इंसानों के अंदर ना मैडनेस तो बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन इस वजह से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग। ये मेरे को आदमी ऐसा बोला तो क्यों बोला, अगर उसका दोस्त है, दोस्तों के साथ में उसने बोलना शुरुआत किया तो दोस्त उसको अच्छे दोस्त होंगे तो उसको अच्छा सलाह देंगे, मेरे जैसा दोस्त रहेगा तो उसको फिर संभालेगा, और कोई अपना उसका बोलेगा अरे ठीक है, अरे ये मेरे को ज़्यादा भाव दे रहा है, मुझे बता रहा है, मतलब मैं बड़ा हूँ तो मेरे से उसका कोई चलता नहीं करके, मतलब वो दोस्त का भी भाव बढ़ जाता है, मतलब वो उससे भी शेयर करेगा तो वो भी फिर उसको भी सब सारी बातें बताएंगा तो वो भी वो डिफ़िकल्ट है। मतलब शेयरिंग किससे करे ये प्रॉब्लम होता है, और शेयरिंग का मतलब होता है अपने अंदर की गुप्त बातें दूसरे को बताना। हो सकता है दूसरा उसका कुछ उल्टा अर्थ निकाल के अपने अपना जो है अपना नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, जो भी अपने को ओवर थिंकिंग आती है उसके ऊपर एक ही आपको है, उसके ऊपर भी उपाय है, आपको सारे स्टॉप, आपको ना सभी को ना सभी जो आपके मन में जितने सारे विचार हैं ना उसको अभी से आप स्टॉप करना सीखो, मतलब कंट्रोलिंग पावर लेके आओ। जैसा जैसे गाड़ी आपके वो कैसे भगा सकते हैं, ब्रेक पावरफुल रहेगा तो भी आप गाड़ी कितने की भी स्पीड से आप भगा सकते हैं, ब्रेक पावरफुल नहीं रहेगा तो आप भगा सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं। इसीलिए अपने मन के ऊपर एक ना एक पावर होना चाहिए, मतलब आपको एक मतलब कंट्रोलिंग पावर रहेगी, तो कंट्रोलिंग पावर रहेगी तो मन के विचार को स्टॉप करने की शक्ति भी आपके पास आनी चाहिए दोस्तों। इसके ऊपर है मेडिटेशन, मेडिटेशन करो, अपने विचारों को अपने बुक्स में लिखो और फिर जो भी विकार है उसको काट करो, और फिर खुद को क्षमा करो, और जिसने भी आपको कुछ बोला है उसको भी मन से क्षमा करो। ये तो मैंने भी एक वीडियो बनाया, ऊपर आई लिंक में दिया हुआ है, वो भी वीडियो आप देख लेना दोस्त। मतलब ओवर थिंकिंग का कोई जवाब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा करके कम थिंकिंग कर लो, मतलब अपना मेडिटेशंस में अपना डाइवर्जन करो, अपने मन को डाइवर्ट करो। कहाँ पर डाइवर्ट करेंगे, अपने कोई अच्छे छंद है उसके अंदर डाइवर्ट करो, अपना कोई अच्छा दोस्त है उससे सारे बातें करो जा करके, और फिर ना अपने मन को एकदम रिलैक्स करो, जहाँ पे अपने को अच्छा लगता है वहाँ पे जाओ, मतलब वहाँ पे अपना मन रिलैक्स हो जाएगा। हो सकता है जहाँ पे अपना दोस्त है उससे के साथ में सारी बातें अपना शेयर करना सीखो, हाँ ऐसा देख करके वो अपनी बातें दूसरे को नहीं बताए ऐसे करके, वो भी है। और दूसरा चीज़ दोस्तों क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये है कि पूरे विचारों को स्टॉप लगाना, अगर आप स्टॉप लगाना सीख गए दोस्तों तो ज़िंदगी आपने ज़िंदगी की बाजी तो आपने ऐसी जीत ली। कभी मेंटल करके आपको ना कभी किसी ने आप कोई भी मेंटल करके नहीं बोलेगा, ऐसे ही कोई बोलता है ना अपने को अरे मेंटल है करके तो कितना गुस्सा आ जाता है दोस्तों। ये ऐसी एक स्टेज है माइंड की, ऐसे बिहेवियर है कि लोगों को थोड़ा सा भी उल्टा कुछ थोड़ा सा भी सलाह दे दिया ना दोस्तों भड़क उठते हैं, मेरे को शिकार है, मैं ये है, मैं हूँ, मतलब मेरे अंदर ये है दोस्तों, ऐसे ही हो जाता है। मैं एक परसों एक किसी को मतलब एक कोरोना हो गया था, एक ने फ़ोन किया था, मैंने बोला अरे तुम लोग क्या कर रहे, तो मैं बोला मेरा जो भी है वो कोरोना के लिए गर्म पानी पीना, वाप लेना, वो सब सारा चीज़ तुम कर रहे क्या? तो बोले हम लोग कर रहे करके। मैं बोला आप नहीं करते होंगे, तो वो मेरे ऊपर भड़क गया। नॉर्मली ऐसा होता है दोस्तों कि ये ऐसा होता है कि ये मेरे को क्या सिखा रहा है दोस्तों। सिखाने के अभी ना आजकल ना किसी को ये नहीं है, आज का ज़माना नहीं है किसी को सिखाना है, हर एक जन बोलता है मैं पावर मैं हूँ दोस्तों। ऐसा है ना, इसीलिए ना बोला जाता है हिंदुस्तान में गुरु का महत्व होता है। अगर गुरु जिसका पावरफुल है ना, उसका लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा ना तो दोस्त उसका लाइफ ना एकदम अच्छी ढंग से आगे चलते रहता है।
ये ओवर थिंकिंग ना एक बीमारी है दोस्तों। कौन सी भी बीमारी आती पहले मन में, मन से फिर वापस से फिर अपना नाड़ियाँ, अपना जो ब्लड सर्कुलर वो सब ब्लॉक कर देती है, और भी अपने शरीर के अंदर बहुत सारे जितने भी सारे बीमारी है ना वो सब अपने शरीर के अंदर फैलाना शुरू करते हैं। और दोस्तों मन जो है ना अपना पवित्र होना चाहिए, मन के अंदर ना ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे आड़े टेढ़े विचार नहीं होने चाहिए, हार्मफुल विचार नहीं होने चाहिए। मतलब वो विचार जो है दूसरे के बारे में जो हार्मफुल विचार है नहीं, अपने को मान हम जो है ना किसी के बारे में रखे है तो दोस्तों आप उसको आज अब भी निकाल दो। अगर वो आप निकालेंगे ना, एक उसका निकालने का मैं सादा तरीका बता रहा हूँ आपको। सीधा बैठो, जितने भी सारे ना एक आग बन करके बैठो, जितने सारे कागज के ऊपर उतार दो, कागज के ऊपर उतारो, देखो ये इतने सारे है, क्या वो फायदे के लिए है आपके? जो फायदे के लिए है उसको काट मारो, 10-12 काट मारो, यानी मन के अंदर बोलो उसको कैंसल कैंसल, वो विचार को आउट करो, मतलब माइंड से अंदर से भगा डालो। जैसे देखो बोलते हैं ना कोई भी अच्छा आदमी आता है तो अच्छा आदमी को आप रिस्पेक्ट करते हैं, और बुरे आदमी को बोलते हैं अरे भगाओ इसको, इसको कुछ रखने से नुकसान होगा। वैसे ही अपने अंदर ना शैतान भरे हुए विचारों के, वो विचारों के शैतानों को भगाओ। अगर वो नहीं भगाएंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो दोस्तों आपको मेंटली बीमार होना पड़ेगा, और इससे बचना है। और मेंटल बिहेवियर ना ऐसे ही धीरे धीरे बिगड़ता है दोस्तों, और आगे जा करके ना लोग ऐसे ही करके ज़्यादा मेंटल बीमार होंगे, डिप्रेशन में आएंगे, सुइसाइड करेंगे, और कुछ अपना ज़्यादा व्यसन करेंगे, आत्महत्या करेंगे। दोस्तों अभी ना ये जो सब सारा चीज़ है वो आपको अभी बताता हूँ कि नॉर्मली ये सब ओवर थिंकिंग का है। आपके बच्चे हैं ना तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दो। अच्छा, आपके जो माता पिताजी है बूढ़े हैं तो उनको ज़्यादा प्रेशर मत दो। मतलब जो उनके हिसाब से अच्छा लगता है ना वो होने दो, करने दो उनको, जो भी है वो करने दो। मतलब उनके ऊपर प्रेशर आप रखेंगे दोस्त तो फिर वो मेंटल बीमार होंगे, और बोलेंगे मेरे को ये करना पड़ता है, मैंने ये बच्चों को मैंने आगे बढ़ाया और फिर अभी ये बच्चे मुझे सिखा रहे करके एक ऐसा ईगो उनके मन में रहता है, और वो ईगो रहने के कारण फिर उनका बिहेवियर ना वो एकदम बिगड़ जाता है। और ये मेंटल बिहेवियर ये ऐसे अपने ये होता है, अपने जो बोलते हैं ना पालक है उनके भी बढ़ सकते हैं, और अपने बच्चे भी है उनको ओवरबर्डनिंग मत करो। कई पालक जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं अरे ऐसा है तुमको डॉक्टर ही होना है, तुमको वकील ही होना है, ये होना है, वो होना है, फलाना होना है होना है, वो उसके ऊपर आप बर्डन डालोगे दोस्त ना तो कभी ना वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन की उसकी इच्छा नहीं थी और आपने क्रिएट कर लिया, और फिर वो बर्डनिंग के हिसाब से आप बोलेंगे बाद में अरे ये कुछ काम नहीं करता है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, और फिर मेरा पैसा वेस्टेज हो रहा है, ये सब सारी बातें जो आपके मन में तो आएंगी ना दोस्तों। और ये जो बातें जो है ये बातें क्यों आती है, किसी के ऊपर आपने बर्डन किया तो बर्डन करना किसी को बंद करो। और आपके ऊपर कोई बर्डन करता है तो बोलो मेरे को ज़्यादा बर्डन अच्छा नहीं लगता है, जो भी चीज़ है दोस्तों। पहला इसके लिए ना आपके मन को ना सुनने में ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा बोलने में मत लगाओ, ज़्यादा बोलते रहेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़्यादा बर्डन आपके मन में आएंगे तो भी आप मेंटल बीमार हो जाएंगे। खुद को कोचना, बोलते हैं ना एक आपको एक मेंटल बिहेवियर बोलता, कई लोग बोलते हैं ना एक आदमी को बोलते ना तू एक मतलब बेशरम है, तू एक कुत्ता है, तू एक नालायक है, तू एक मूर्ख है, ऐसे करके ना बैड जो है ना शब्द उस एक एक आदमी के लिए ना लोग यूज़ करते रहते हैं, वो मूर्ख है मूर्ख जैसे बात करते रहता है करके। मतलब ना दोस्तों उसके मन ने वो एक्सेप्ट किया ना तो नॉर्मली क्या होगा दोस्तों कि वही उसके मन में आएगा, वही सोचते रहेगा और फिर बोलेगा मैं दूसरे ने जो बोला है मैं वही है करके। मतलब वो दोस्त वैसे ही करके वो थिंकिंग करना और बोलना भी शुरू करेगा। मतलब आपने क्रिएट किया, आपकी जवाबदारी थी, आपने दूसरे को क्या किया, आपने दूसरे को बुरा बर्ताव करने के लिए आपने प्रेरित किया दोस्तों, वो बंद करो। दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेंगे ना तो बहुत उसके फायदे होंगे, अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो दोस्तों आपको फिर लाइफ में ऐसा मेंटल बीमार बहुत लगे। और मेंटल बीमारी का कारण क्या है, प्रेशर। जितना करके ना अपने फैमिली को जितना फ्री रखने का कोशिश करो कोशिश, थोड़ा थोड़ा कंट्रोलिंग पावर करो, ऐसे नहीं दबा के रखो, मन को दबा के रखेंगे ना अपने अंदर ना
वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने को भी आना चाहिए, ऐसे नहीं है दबाव में रखे। अगर दबाव रखने से मेंटल बीमारियाँ होती है, इसके लिए ओवर थिंकिंग होता है। और वो जो ओवर थिंकिंग होता है ना, वो बोलते हैं ना, वो सबसे खतरनाक है। उसका बिहेवियर है धीरे धीरे चेंज होता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, फिर से उसको फिर वो कुछ ना कुछ अकेला बैठेगा, अकेला सोचेगा, अकेला बातें करते रहेगा, अकेला कुछ खाते रहेगा, कुछ मतलब उसका पूरा सिस्टम जो है ना, खुद के कपड़े के ऊपर ध्यान नहीं है, वल्गर रहेगा, कैसे भी मतलब ये दाढ़ी नहीं करेगा, खाना टाइम पे नहीं खाएगा, उसके पूरे बिहेवियर एकदम स्ट्रक्चरल ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। और ये बिहेवियरल जब से ऐसे शुरू होते हैं ना, तो जो जिसका वो जिम्मेदार है उसने उसको पहले मेंटल बीमारी उसको ट्रीटमेंट करना जरूर है, मेंटल बीमार उसको ट्रीटमेंट देना जरूर है। अगर वो करेंगे दोस्तों तो टाइम पे उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करो, ओवर थिंकिंग करने की वजह से अपना मन जो है नामस्मरण यानी जो भगवान के नामस्मरण में लगाओ और खुद को आत्मा समझो और फिर परमपिता परमात्मा को ऊपर वाले को याद करो। जो भी आप जो भी जिसको भी आप मानते हो, कुल देवता है यानी ग्राम देवता है या कोई भी है, ये जो आपको अच्छी देवता लगती है या देव लगता है, उनसे आप सारी बातें करो, उनका चिंतन करो। मैं सबसे बोलता हूँ ना, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ ना, ऊपर वाले को यार करो, शिव को यार करो, शिव को अपना यार याराना बनाओ दोस्तों। शिव मैंने परमपिता परमात्मा को प्यार करो, और प्यार करेंगे तो उसके सारे गुण जो है ना वो अपने अंदर आएंगे। वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। मतलब शिव माना वो, शिव माना वो पिंडी स्वरूप होता है उसका, ऊपर वाला बोलते हैं, और ऊपर वाला वो बिंदु होता है। 12 ज्योतिर्लिंग अपने अपने देश के अंदर हम लोग पूछते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम भी बोले, क्या है वहाँ पे, वहाँ पे शंकर है कि शिव है? वहाँ पे शिव है दोस्तों, शंकर नहीं है। शंकर मतलब जो रुद्र रूप विनाशकारी देवता है वो, और शंकर उसके अंदर डिफरेंस है दोस्तों। मतलब शिव जो है वो शिव माना एक पिंडी होती है, और वो पिंडी का रूप बताया, निराकार क्यों बताया, क्योंकि उसको उसका कोई आकार नहीं है, उसका जन्म नहीं होता है, कभी भी जन्म नहीं होता है उसको। छोटा जो है पहला ज्योतिर्लिंग, इसके लिए ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। हमारे कोंकण में कुंकेश्वर है, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। मतलब सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग मतलब क्या है वो, उसको हम लोग अभिषेक करते, दूध का अभिषेक करते, क्या है मतलब, ये जो है एक शिव है, शिव है। अभी काबा, वो अपना जो काबा जो है जहाँ पे मक्का में जाते हैं, वहाँ पे भी एक ना एक छोटा सा लिंग है या छोटा सा पत्थर है, यानी उसको काबा बोलते हैं, उसको फिर जा कर के चूमते दोस्तों। मतलब वो कौन है, परमपिता परमात्मा का ही उन्होंने मानव रूप है, वहाँ पे नहीं है, है वो ऊपर, मतलब वो पूरे सृष्टि को चलाने वाला है, मगर उसको मतलब वो जो है एक स्वरूप है, वो शक्तिशाली है, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, वो ज्योति का बिंदु। और फिर मन एकाग्र करके उसी को याद करो, तो फिर सूरज चांद उसके पार जा कर के आपका मन को लेके बाहर जाना पड़ेगा, सूरज चांद के बाहर लेके जाने का। फिर उधर एक सुनहरी ऐसा प्रकाश है, वो प्रकाश के अंदर से एक एक चमकता हुआ आपको सितारा दिखेगा, उसको याद करने की प्रैक्टिस करो। और फिर जो है ना हर दफ़ा जो है ना एक एक गुण के अंदर आप याद करो। और फिर आज आप शांति का चाहिए तो शांति अपने मन में उतारो, उधर जाओ फिर अपने मन में शांति उतारो, प्रेम उतारो, ऐसे करके ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं, और फिर अपने मन को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करना मतलब जैसे सिग्नल को हम लोग, जैसे सिग्नल जो है वो ज़रूर होता है, नहीं तो फिर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, होते हैं ना। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं, ज़्यादा करके हम गाड़ियाँ चलाते हैं उसको थोड़ा स्टॉप सिग्नल देना पड़ता है। अगर स्टॉप करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, फिर आगे जा कर के फिर वो सब चलने वाली जितनी भी जो ये है व्हीकल्स है वो अपना लाइन पे चलती रहेंगी, मतलब स्टॉपिंग पावर, सिग्नल पावर रहती है। वैसे अपने मन के अंदर भी ना हर ना एक घंटे के दो घंटे के अंदर के अपने विचार को चेक करो, उसको स्टॉप करो, उसको फुल स्टॉप लगाओ, और नई चेहरे नए एक आपको नई ऊर्जा मिलेगी, फिर से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, और फिर से अपना लाइफ आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। ओवर थिंकिंग आपको स्टॉप करने के लिए आपको विचारों को पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, और फिर नए चेहरे से आपको नए अपना स्वरूप से आपको सोचना पड़ेगा, नया हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपका ओवर थिंकिंग कम हो सकता है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे,
और मेडिटेशन कैसा करने का वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, मेडिटेशन कैसे किया जाता है करके, और बहुत सारे मैंने मेडिटेशन करके कैसे प्रसन्नचित रहने का करके और फिर मन को शांत करने का वो भी वीडियो आई लिंक के ऊपर है, वो भी आप देख लीजिए, तो भी आप बहुत सारे आपके क्वेश्चन मन के अंदर के जाएंगे और दोस्तों आपका ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाएगा और फिर आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों आज ये अपना दोस्त रजा लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम।